हाय, मैं डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानेंगे कंजक्टिविटिज यानी पिंक आई, जिसे हम गुलाबी आई भी कहते हैं क्योंकि आई में रेडनेस एंड आई लिड पर इन्फ्लामेशन आदि बनी रहती है। कंजक्टिविटिज क्या होती है, कंजक्टिविटिज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए, प्रिक्यूशन यानी हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमने इस वीडियो में साइन एंड सिम्टम बेस्ट ट्रीटमेंट को जानने की कोशिश की है। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बन रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। कंजक्टिविटिज, इन्फ्लामेशन ऑफ दी कंजक्टाइवा मींस आई के कंजक्टाइवा पर इन्फ्लामेशन का आ जाना, जिसकी वजह से आई में रेडनेस, इरिटेशन, वाटरिंग, डिस्चार्ज, इचिंग आदि रहती है। यह एक ग्रुप कंडीशन डिसीज है जो बैक्टीरियल, वायरल एंड एलर्जी के द्वारा होने वाली डिसीज है। इस कंडीशन में पेशेंट की कंप्लेंट एंड हिस्ट्री को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्लिट लैम्प से आई का एग्जामिनेशन करते टाइम आई का रेड होना, आई एंड आई लिड पर इन्फ्लामेशन, डिस्चार्ज, वाटरिंग, इरिटेशन, इचिंग आदि देखने को मिल सकती है। अब हम जानेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिविटिज। बैक्टीरियल कंजक्टिविटिज क्या होती है, गंदे कपड़े, गंदा पानी, मक्खी, आपका आसपास का वातावरण, फास्ट फूड, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग स्टाफ आदि के संपर्क में आने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आई में आई का रेड होना, आई एंड आई लिड पर इन्फ्लामेशन, डिस्चार्ज का बनना, इरिटेशन रहना, वाटरिंग, फोटोफोबिया आदि का हो जाना, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम में आते हैं। इन्हीं को समझना, इसी की बेस पर ट्रीटमेंट देना काफ़ी यूजफुल होता है। अब हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बरम कंप्रेसेस से आई को क्लीन करना होता है, टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज करते हैं जैसे मोक्सीफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन आदि। डार्क गॉगल्स, आई में चमक कम करने हेतु नो बैंडेज, नो स्टेरॉइड। ओरली एंटी इन्फ्लामेशन एंड एनाल्जेसिक जैसे एसिनेक एसपी, डाइक्लो एसपी आदि। हमने जाना बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम जानेंगे वायरल इन्फेक्शन। वायरस एयर के थ्रू एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे सर्दी, जुकाम, रनिंग नोज इसका सामान्य लक्षण है। इसकी वजह से आई का रेड होना, वाटरिंग होना, इन्फ्लामेशन कभी कभी रह सकती है, इरिटेशन, नो इचिंग, नो डिस्चार्ज वायरल में नहीं रहता है। अब हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। कोल्ड कंप्रेसेस, सन ग्लास यूज चमक कम करने हेतु, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप इरिटेशन कम करने हेतु, टॉपिकल एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँख में ना पहुँचे इस वजह से, टॉपिकल एंटीवायरल, ओरली एंटीवायरल ड्रग्स जैसे एस्क्लोबियर, गैनिसोक्लोबियर, इसमें हम नो स्टेरॉइड। हमने जाना वायरल इन्फेक्शन के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम जानेंगे एलर्जिक कंजक्टिविटिज के बारे में। एलर्जिक कंजक्टिविटिज धूल मिट्टी, गंदे कपड़े, गंदा पानी, गंदे वातावरण में रहने से होने वाली कंडीशन है, जिसकी वजह से आई का रेड होना, आई एंड आई लिड पर इन्फ्लामेशन, वाटरिंग, डिस्चार्ज बनेगा तो वाइट, इरिटेशन एंड इचिंग आदि का होना। एलर्जी में सबसे ज़्यादा इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ये आपको समझना होगा, इसी के बेस पे आपको ट्रीटमेंट देना होगा। कुछ केस में आपको एलर्जी के उसमें डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो आप कंपोजिशन का ट्रीटमेंट उसमें दे सकते हैं जैसे टॉपिकल एंटी एलर्जिक ड्रग्स, नेफाजोलिन, एंटीजोलिन एंड टेट्राहाइड्रोजोलिन। आर्टिफिशियल ड्रॉप जैसे CMC, कार्बोक्सीमेथल सेलुलोज या लुब्रिकेटिंग आदि। डॉल एक्शन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जैसे एसिटास्टिन एंड ओलोपेटाडिन आदि।
इसमें हम स्ट्रोड यूज कर सकते हैं। स्ट्रोड इसमें देना भी चाहिए, एलर्जी है, सिंपल्स डबल्स एंटीहिस्टामिन से नहीं जाती है, तो हमें इसमें स्ट्रोड देना चाहिए। प्रिकॉशन में हम गंदे हाथ आई को रबिंग ना करें, डेली यूज करने वाले कपड़े किसी दूसरे को शेयर ना करें। ये तीनों ही कंडीशनों में आप प्रिकॉशन में सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय दिस वीडियो।